हेलो दोस्तों, नमस्कार। मौसम तक राजस्थान डीआरटी चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए दोस्तों, बात करते हैं आने वाले 24 घंटों के अंदर राजस्थान में कैसा रहने वाला है मौसम और किन किन जिलों में आज भयंकर लू चलने की संभावना है। साथ ही बात करेंगे, आज मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है और बंगाल की खाड़ी में बने तूफान रेमल का क्या ट्रैक रहने वाला है और उसका प्रभाव मानसून पर किस प्रकार देखने को मिलेगा। साथ ही बात करेंगे, अगला बारिश का दौर राजस्थान में कब तक देखने को मिलेगा, ये संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो में दी जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप अपने चैनल मौसम तक राजस्थान डीआरटी को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो वर्तमान में देखा जाए तो संपूर्ण भारत पर किस प्रकार के मौसमी सिस्टम बने हुए हैं। बंगाल की खाड़ी के अंदर देखा जाए तो एक मजबूत साइक्लोन के रूप में वर्तमान में रेमल बन चुका है। वर्तमान में इसकी स्थिति की बात करें तो मध्य बंगाल की खाड़ी के आसपास केंद्रित है और धीरे धीरे उत्तर दिशा की ओर आगे बढ़ने की संभावना है। जिसकी ट्रैक की बात करें, वर्तमान में उत्तर दिशा में आगे बढ़ते हुए 24 से 48 घंटों के बाद रिकर करते हुए उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ने की संभावना है, जो बांग्लादेश व पश्चिम बंगाल की तटीय इलाकों के आसपास से होते हुए तटीय इलाकों में प्रवेश कर सकता है। उसमें इसकी कैटेगरी की बात करें तो एक वेरी सीवियर साइक्लोन के रूप में भी बन सकता है, क्योंकि 24 से 48 घंटों के अंदर साइक्लोन जब सागर में रहता है तो वो मजबूत होते हुए वेरी सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी भी बन सकता है। और एक अन्य सर्कुलेशन की बात करें तो वर्तमान में केरल के दक्षिणी भागों के आसपास से सटे अरब सागर के आसपास बना हुआ है, जिसके प्रभाव से संपूर्ण दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में मध्यम से तो कई कई इलाकों में भारी बारिश की गतियाँ देखने को मिल रही हैं। बाकी देखा जाए तो उत्तर पश्चिमी भारत के आसपास के इलाकों में राजस्थान सहित पंजाब हरियाणा के इलाकों में मौसम मुख्यतः शुष्क देखने को मिल रहा है और इन क्षेत्रों में मैदानी इलाकों से आने वाली शुष्क हवाओं का प्रभाव देखने को मिल रहा है, जिसके प्रभाव से इन क्षेत्रों में लू व तापमान में वृद्धि देखने को मिल रही है। और दोपहर के बाद से देखा जाए तो राजस्थान के उत्तर पश्चिमी इलाकों में पाकिस्तान से आने वाली शुष्क हवाओं का प्रभाव विशेषतः जालौर जैसलमेर बाड़मेर के कई इलाकों में बलोतर से होते हुए जोधपुर बीकानेर तक कई इलाकों में पहुँचता हुआ नजर आ रहा है, जिसके प्रभाव से इन क्षेत्रों में गर्म हवा व तापमान की बात करें तो 48 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान देखा जाए तो बाड़मेर व जालौर के कई इलाकों में जनजीवन व्यस्त व्यस्त होता हुआ नजर आया और आने वाले 24 से 48 घंटों के लिए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया गया है। विशेषतः जालौर बाड़मेर जैसलमेर बीकानेर श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ चूरू झुंझुनू जयपुर नागौर जोधपुर शिलागर पाली के इलाकों में आने वाले 24 से 48 घंटों तक गर्म हवा और तापमान का बढ़ता हुआ यानी 48 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान रह सकता है। राजस्थान में अगला बारिश के दौर की बात करें तो अगला बारिश का दौर राजस्थान में जून माह के पहले सप्ताह में देखने को मिल सकता है। 29-30 मई के आसपास राजस्थान के कई इलाकों में प्री मानसून की गतियों की शुरुआत देखने को मिलेगी और कई इलाकों में मध्यम से तेज तो कुछ इलाकों में खंड बारिश की गतियों की शुरुआत हो सकती है। उसके बाद राजस्थान सहित कई राज्यों में प्री मानसून की गतियाँ देखने को मिलेगी और पश्चिमी पूर्वी भारत के राज्यों की बात करें तो इन क्षेत्रों में मानसून का प्रवेश लगभग 31 मई के आसपास केरल के तटीय इलाकों तक पहुंच सकता है और कई इलाकों में मानसून पूर्वी राज्यों के इलाकों में भी 31 जून के आसपास पहुंचने की संभावना है। वर्तमान में सैटेलाइट इमेज की बात करें तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से बंगाल की खाड़ी में बने तूफान रेमल के प्रभाव से संपूर्ण बंगाल की खाड़ी के अंदर आप घने बादलों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। विशेषतः संपूर्ण बंगाल की खाड़ी की बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दक्षिण भाग के आसपास से लगाकर कई इलाकों में भारी बारिश की गतियां देखने को मिल रही हैं और दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्षेत्र पर बने सर्कुलेशन के प्रभाव से कर्नाटक और महाराष्ट्र के कई इलाकों तक प्री मानसून की गतियां देखने को मिल रही हैं और कई इलाकों में कर्नाटक व केरल के कई इलाकों में पिछले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश की गतियां देखने को मिली हैं। आने वाले समय में देखा जाए जैसे सिस्टम आगे बढ़ेगा तो कुछ नमी बंगाल की खाड़ी से और कुछ नमी अरब सागर के आसपास से मध्य भारत के कई इलाकों में पहुंचने की संभावना है। तो उस समय राजस्थान सहित कई इलाकों में मई के अंतिम दिनों में जून के शुरुआत में परी मानसून की गतियां देखने को मिलेगी तो कई कई इलाकों में जोरदार बारिश की गतियां हो सकती हैं। तो दोस्तों, मौसम तक राजस्थान डीआरटी चैनल पर अब के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।